हेलो गाइज, नमस्ते, राम राम जी। मैं रवि, आप देख रहे हैं फेमस रवि यूट्यूब चैनल। तो गाइज, फिलहाल इस वक्त मैं खेत में, आप देख सकते हैं भाई, और आज मैं वैष्णो देवी जाऊंगा साइकिल से। वो भी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी ऑडियंस को बता देते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। मैं केदारनाथ होकर के आ चुका था, केदारनाथ में क्या हुआ वो आप सबने देख लिया, मैं दोबारा जिक्र नहीं करना चाहता। और मैं अभी वैष्णो देवी जा रहा हूँ कुछ ही देर में। बोर्ड मैंने बनवा लिया था कल वैष्णो देवी का, और अभी अपना साइकिल पर बोर्ड लगवाकर पीछे उसमें नट लगवाने हैं, वो लगवाकर जलमाणा से या करनाल से फिर अपना निकल जाऊंगा भाई, अम्बाड़ा, लुधियाना, जलंधर, पठानकोट, जम्मू तवी और हीरानगर, फिर अपना कटरा चले जाएंगे। तभी चलते हैं भाई अपना खेत में, अपना देख सकते हैं भाई अपने बोरखे पर आया था यहाँ पर। गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये अपनी दुरंतो खड़ी है, इस पर ही आया था खेत में। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा डोलू है, और आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ भाई, ये देखो किसी ने ये तोड़ दिया था, पता नहीं अपने आप टूट गया। मैं कहना नहीं चाहता यार, मैंने यहाँ पर वेल्डिंग भी करवाया था पहले, और किसी ने भाई मतलब की पता नहीं साइकिल गिरी और पता नहीं किसी ने तोड़ दिया जानबूझकर, और ये प्लेट ऐसे उठा रखी थी मेरी, केदारनाथ वाली प्लेट बिल्कुल तोड़ दी भाई। 450 रुपए की लगी थी वो, 450 रुपए पानी में गए सच में यार, वहीं पर तोड़ दी थी भाई किसी ने। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, नई प्लेट बनवा ली है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, बहाने नहीं बनाएंगे भाई, खुद काम करके दिखाएंगे। ये साइकिल खड़ी है, ये चलेगी अभी वैष्णो देवी, इसको मैं लगभग 5 दिन में वैष्णो देवी कवर करवा दूंगा। वैष्णो देवी यहाँ से लगभग 450-450 किलोमीटर है। और अभी तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ट्रेन भी बंद है भाई, रेलवे भी अभी नहीं चल रही है भाई, तो मैं साइकिल से चला जाऊंगा और भीड़ भी कम मिलेगी वैष्णो देवी पर, क्योंकि भाई रेल नहीं चल रही तो दुनिया कैसे आएगी, क्योंकि पर्सनल गाड़ी में कुछ ही लोग आ सकते हैं भाई, हर कोई नहीं आ सकता। और रेल में तो सभी आते हैं, जैसे मिडिल क्लास के लोग आ जाते हैं स्लीपर में, जनरल में, अभी पर्सनल गाड़ियों से लोग आएंगे और भीड़ कम मिलेगी भाई बहुत ज्यादा। चलो फिर चलते हैं भाई, ज्यादा बकचोदी नहीं करते हैं, घर से रोटी खाकर और अपना निकल जाता हूँ जलमाना की तरफ। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं भाई निकल चुका हूँ मैं जलमाना जा रहा हूँ, बैग पैक कर लिया था, आप देख सकते हैं भाई मेरे पीछे बैग लटका हुआ है, और माता की प्लेट भी ले लिया मैंने हाथ में, माता की प्लेट पकड़ी है जलमाना, इसको भाई मैं फिट करवा लूंगा जलमाना, देख लूंगा कहीं आसपास, क्योंकि भाई वेल्डिंग से पत्ती लगवानी और पत्ती पर प्लेट लगेगी ये, फिर ऐसे होगा सिस्टम, ठीक है। अभी चल रहा हूँ भाई मैं, और बहुत ही अच्छा ब्लॉग देने वाला हूँ सच में यार, ये जर्नी आज शायद अम्बाड़ा या कुरुक्षेत्र तक की होगी, ठीक है। अपना कुरुक्षेत्र तक तो यार कवर कर ही लूंगा आज मैं, 65 किलोमीटर ही तो है, 65 किलोमीटर तो मैं आराम से कवर कर लूंगा। तो अभी चलते हैं भाई जलमाना, मिलते हैं आप लोगों को। तो भाई जब आप देख सकते हैं भाई मैं मंचूरी पहुंचने वाला हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई अपने बोर्ड लगवा लिया मैंने, यहाँ पर जलमाना बोर्ड लगवा लिया था, और उसने वेल्डिंग वगैरह अच्छी तरीके से कर दी भाई, मुझे इसी बात की चिंता थी कि वेल्डिंग हो या ना हो, ठीक है। और रास्ते मुझे दो भाई मिल गए, भाई साहब क्या कर, ठीक है, मंचूरी से ये भाई, ठीक है, मिलकर बहुत अच्छा लगा भाइयों से। अभी निकल रहा हूँ मैं, बैग देख सकते हैं आप, फुल सेटअप है मेरा यहाँ पर, और इस बोर्ड की चिंता थी सबसे ज्यादा तो बस ये लग गया भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए था। अभी निकलता हूँ मैं करनाल की तरफ, यहाँ मंचूरी के अड्डे से एक बोतल पानी की भर ली थी भाई, मेरे साइकिल में ही रखी, आपको दिखा नहीं सकता, एक हाथ से हैंडल पकड़ा हुआ है ना भाई, पानी इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि जब 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी को हर एक घंटे में 1 लीटर पानी चाहिए भाई, और पानी मुझे जरूर पीना पड़ेगा क्योंकि भाई डिहाइड्रेशन हो सकता है और दिमाग में चक्कर बनने लग जाते हैं भाई, तो पानी तो बहुत जरूरी है। करनाल पहुंच जाऊंगा लगभग 1.25 घंटे के करीब, और फिर करनाल से कुरुक्षेत्र चला जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में स्टे कर सकता हूँ आज मैं, वरना फिर मैं शाहबाद की तरफ चला जाऊंगा। तो भाई जब आप देख सकते हैं भाई मैं प्योंत के टोल पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई उन्होंने रोक लिया था, और भाई साहब अपना क्या नाम है, अमन, अमन अपना भाई, नीरज भाई, ये अमन और नीरज भाई मिले भाई, ना ठंडा प्यार देख सकते हैं भाई, अभी मैं यहाँ से गुजरा तो भाई उन्होंने मुझे टोक लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा भाई उसे मिलकर। और अपना ये टोल अपना प्योत गांव का, ये मेरी साइकिल खड़ी आप देख सकते हैं उधर की तरफ, अभी यहाँ से लगभग 5-10 मिनट में मैं निकल जाऊंगा करनाल की तरफ। भाई जब मैंने प्योत में एंट्री की थी और छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिल गए आप देख सकते हैं, और भाई क्या नाम अपना, एवीन नाम है भाई, एंडी एंडी नाम ले रहे भाई दोनों भाई, और ठीक ठाक मिल गए। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़े करो, अच्छा ये 5वीं क्लास में, तो अच्छा UKG में, वीडियो कैसी लगा मेरी, दो नंबर, अच्छा दो नंबर है, एक नंबर दो नंबर, बहुत बढ़िया भाई, यूट्यूब पे राहुल कौन से करेगा वो, अच्छा राहुल मिले होगा भाई, एक बार ध्यान सा थोड़ा सा जरा। अभी मुझे जितने भी लोग मिल रहे हैं ना रास्ते में, ये सिर्फ हरियाणा में ही मिलेंगे भाई, जैसे ही मैं अम्बाला से NH-44 की तरफ अपना बाई तरफ मुड़ जाऊंगा ना, तो फिर ये सारी की सारी फैन फॉलोइंग सारी की सारी गायब हो जाएगी भाई, और ये हरियाणा की मेरी फैन फॉलोइंग है, और मेरी हरियाणा में फैन फॉलोइंग ज्यादा इसलिए है क्योंकि भाई मैं इंस्टाग्राम पर हरियाणवी में मिनी ब्लॉग बनाता हूँ, और यूट्यूब पर मैं हिंदी में कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कई भाई मुझे कहते हैं कि आप हरियाणवी में ब्लॉग बनाया करो यूट्यूब पर भी, तो भाई मैं हिंदी में ही बना सकता हूँ क्योंकि भाई इससे मेरी फैन फॉलोइंग वाइड एरिया पकड़ेगी। भाई जब मैं यहाँ पर पानी ढूंढ रहा था भाई, पानी नहीं मिला यहाँ पर, मैंने सोचा कि ये ट्यूबवेल चलता हुआ मिलेगा भाई, लेकिन ये उद्दी तो है ना सूखी पड़ी है भाई, साइकिल यहाँ पर खड़ी है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो रखी है, मैंने मुंह पर देखो परना बांध लिया है, और रास्ते में मैं टोल पर रुका था ना, तो उन भाइयों ने परना दे दिया था क्योंकि भाई करनाल खरीदते खरीदते तब तक तो मैं काला हो जाता, इसे मैं गीला कर लूंगा थोड़ा सा गर्म पानी या बोतल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई
ये बोतल ठंडे पानी की नहीं है भाई, आते आते भाई गर्म हो गया पानी, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई। लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो चुका है। और अभी यहाँ करनाल पहुंचने वालों, करनाल यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर है। करनाल से अपना कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अम्बाड़ा, अम्बाड़ा रुकूंगा आज गुरुद्वारे में, एक गुरुद्वारा अम्बाड़ा में बहुत बड़ा गुरुद्वारा, मैं उसमें रुकूंगा। चलो फिर चलते हैं, सफर को शुरू करते हैं। और देख सकते हैं भाई मैं भूत बन चुका हूँ, रास्ते में खोलता रहूंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। गाइज अभी मैं नीलोखेड़ी पहुंचने वाला हूँ, नीलोखेड़ी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी साइकिल खड़ी है भाई। अभी मैं किसी खेत में बैठा हूँ, मतलब कि सड़क के आसपास, यहाँ पर खेतों के आसपास बैठा हूँ भाई। और अपना थोड़ी सी भूख लग गई है और रोटी का मन नहीं कर रहा है भाई, रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती मुझसे यार सच में। थोड़ा सा हल्का खाना खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चावल खाने पड़ेंगे थोड़े थोड़े। और अपना किसी ढाबे पर रुकूंगा अभी थोड़ी देर में, नीलोखेड़ी से आगे है एक ढाबा, मेरी जान पहचान है वहाँ पर, वहाँ पर रुकूंगा। और मैंने यहाँ पर पानी की बोतल देखो यहाँ पर भर रखी है, पानी की बहुत ज्यादा प्यास लग रही है भाई। और मुझे सच में यार केले वगैरह खाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई केले मेरे मेरी चर्बी को बढ़ाकर रखेंगे, वरना भाई साइकिल ऐसी चीज आपको बिल्कुल सुखा देती है और आपको अच्छी अच्छी चीजें खानी पड़ती है। अभी मैं यहाँ पर तो टिकड़े खा रहा हूँ, आप देख सकते हैं भाई, ऐसे ऐसे आराम से बैठा हूँ। थोड़ी देर मैं मिनी व्लॉग एडिट कर रहा था यहाँ पर, मैंने यहाँ से कॉपी ली थी पीछे तरावड़ी से, एक मिनी व्लॉग एडिट करूंगा आराम से छाया में बैठकर, क्योंकि भाई ये सारा का सारा सफर तो ऐसे ही चलता रहेगा और मुझे बीच बीच में ही काम करना पड़ेगा एडिटिंग का। भाई सच में व्लॉगिंग बहुत आसान है, बस एडिटिंग थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि एडिटिंग में यार मेरे 1.5-2 घंटे चले जाते हैं एक मिनी व्लॉग एडिट करने में, क्योंकि भाई 1 घंटा तो लिखने में चला जाता है, स्क्रिप्ट अब तो थोड़ा तेज हो गया हूँ, और भाई फिर थोड़ा सा आधा घंटा उसको वॉइस को और वीडियो को मैच करने में चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा, देखो यार कुछ नहीं कर सकते। अपना लॉन्ग व्लॉग मैं अच्छे तरीके से एडिट कर लेता हूँ, बाकी एंड्रॉइड में थोड़ा मिनी व्लॉग एडिट करते हुए थोड़ी सी दिक्कत आती है भाई। और देख सकते हैं भाई यहाँ पर बैठा हूँ किसी खेत खलियान में, अभी चलते हैं भाई नीलोखेड़ी की तरफ। अपना नीलोखेड़ी में थोड़ा सा रुक जाऊंगा, थोड़ा खा पी लूंगा कुछ। गाइस इस वक्त मैं शाहबाद में हूँ, और शाहबाद में एक मंदिर है मारकंडा नदी के सहारे सहारे। मैं एक बार यहाँ पर पेपर देने के लिए आया था यहाँ पर शाहबाद में, और भाई शाहबाद में मैं वहाँ पर रुका था उस मंदिर में, और आज ये सोच रहा हूँ कि शाहबाद में रुक जाऊँ भाई यहाँ पर मंदिर में। अम्बाला कैंटी पहुँच सकता हूँ मैं सोच रहा हूँ आराम से जाऊँगा, कवर करते हुए जाऊँगा, आपको मारकंडा नदी भी दिखा दूंगा भाई। तो इसलिए आज हमारा प्लान है कि मुझे मंदिर में कोई कमरा दे देगा वहाँ पर, मैं बोल दूंगा उनको कि मैं साइकिल से जा रहा हूँ भाई, और अपना कमरा ले लेंगे वहाँ पर मंदिर पर। आप देख सकते हैं भाई थकान थोड़ी थोड़ी सी है बस मुंह पर, वैसे ठीक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आधा घंटा बैठ के ना तो आराम से बिल्कुल सेट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी थकान बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा नहीं है। अभी चलते हैं भाई आपको मंदिर पहुंचकर मिलते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं भाई मैं मारकंडा मंदिर में हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे मेरे मारकंडा नदी है। और अभी मैं इस मंदिर में आ गया था, आपको एक बात बताता हूँ भाई, मैं जैसे इस मंदिर में आया ना मुझे कुछ नहीं पता था भाई, मैं यहाँ पर एक अजनबी था ठीक है। और मैं यहाँ पर मंदिर में आया तो मैंने काउंटर पर कहा, मतलब कि जो यहाँ पर प्रधान वगैरह बैठे हैं, कि मुझे रूम लेना है एक, और मुझे आज की रात रुकना है यहाँ पर, क्योंकि मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ साइकिल से। तो उन्होंने भाई फटाफट मेरा आधार कार्ड भी मतलब कि फोन में ही ले लिया, मतलब कि एक फिजिकल आधार कार्ड मांगते हैं वैसे तो, मेरा आधार कार्ड फोन में ले लिया, फोटो खींच ली और अपना मुझे एक रूम दे दिया भाई, बहुत अच्छे तरीके से दिया और बहुत ज्यादा इज्जत करी सच में यार। एक साइकिल वाले की और एक धार्मिक स्थल पर जा रहा हूँ तो बहुत इज्जत मिली भाई सच में। ये मेरा यहाँ पर 14 नंबर रूम है और अच्छा लग रहा भाई बहुत ज्यादा कि मुझे इतनी इज्जत मिली यहाँ पर। ये भगवान शिव का मंदिर भी है, भगवान कृष्ण का भी है, तो मैंने अभी तक यहाँ पर थोड़ा सा भ्रमण नहीं किया है, मैं थोड़ा सा देखूंगा मंदिर, अभी लगभग 6:30 बज चुके हैं, इतना अच्छा मंदिर है भाई देख सकते हैं आप, आसपास पार्क भी है और पीछे आप देख सकते हैं भाई मेरे मंदिर है भगवान शिव का, और उधर भी मंदिर है भगवान कृष्ण का, यहाँ पर ये रूम वगैरह है ठीक है। और यहाँ पर मेरा 40 नंबर रूम मिल गया है मुझे, आपको थोड़ा सा आसपास दिखाऊंगा ठीक है। यहाँ पर झूले वगैरह भी है, मैंने अपनी साइकिल वहां पर पार्क कर दी थी तो अभी मैंने अपने कमरे में ही कर रखी है 40 नंबर रूम में, क्योंकि भाई कोई उठाकर भी ले जाए क्या पता लगता है ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया था जो यहाँ पर रूम वगैरह खोलते हैं ना, तो उन्होंने बता दिया था। तो गाइस अभी मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, मुझे रूम कैसा मिला यहाँ पर, ये है मेरा रूम 14 नंबर। जूते चप्पल बाहर निकाले, मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये मैंने दरवाजा खोल दिया यहाँ पर। और भाई सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरी दुल्हन तो खड़ी है यहाँ पर, ये सबसे ज्यादा प्यारी है भाई, सबसे ज्यादा जान से प्यारी है, पूरा रूम दिख रहा होगा आपको, वाइट एंगल में दिखा रहा हूँ। और ये नीचे गद्दा पड़ा है देखो, मैंने यहाँ पर लगा दिया ये नीचे की तरफ, ये यहाँ पर रखा था और यहाँ पर मेरा फोन वगैरह चार्ज होगा ठीक है। तो गाइस आज मैंने आपको शाहबाद तक का व्लॉग दिखा दिया, मैंने सुबह बनाना शुरू किया था लगभग 8 बजे करीब बनाना शुरू किया था, तो मैं इस व्लॉग को यही पर एंड करता हूँ। तो आई होप गाइस व्लॉग आपको पसंद आया, लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, आपके लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।